ईरान को रूस से मिले हथियारों को लेकर भी खबर आ रही है और रूस से विमानों में भेजे जा रहे उपकरण को लेकर खबर, जहां विमान में कई तरह के सैन्य उपकरण और पश्चिम मीडिया जिस तरीके से इसको लेकर दावे कर रही है इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने। अब रूस की तरफ से विमानों में रूस ने ईरान को क्या क्या हथियार पिछले कुछ दिनों में दिए हैं यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है S-400 और S-400 को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर, अटैक ड्रोन और रडार सिस्टम को लेकर यानी एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर यह खबर समझना चाहूंगी। और रूस ईरान के बीच जो रिश्ता है, दोनों देशों के बीच पुराने सामरिक संबंध तो रहे हैं लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका से दुश्मनी दोनों देशों को जोड़ती भी है और रूस ईरान और ये जो चीन का गठजोड़ है इसको लेकर भी मध्य पूर्व के हालात के बीच में हम चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि अमेरिकी गुट के लिए ये बहुत बड़ा खतरा भी है। हालांकि फारस की खाड़ी में इजरायली जेट ने उड़ान भरी, एक और बड़ी खबर आ रही है जहां इजरायल के F-35 फाइटर जेट ने चक्कर लगाए और रूस ने इजरायली जेट का पता लगाया। रूस ने ईरान को इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो चुका है। आइए अब आपको बताते हैं इजराइल कैसे ईरान पर हमला कर सकता है और इजराइल के फाइटर जेट और मिसाइल कैसे ईरान में घुसकर तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि ईरान पर इजरायली हमला होगा कैसे इसी स्ट्रेटजी के तहत। एक बार मुझे शैलेंद्र सर आप इंफॉर्मेशन वॉल पर प्लीज ज्वाइन करिए, क्योंकि यहां पर ईरान के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच बनाने की जो कोशिश होगी उसमें इंपॉर्टेंट यह होगा कि एक उड़ान में बड़ी तबाही मचा सकते हैं और यह तबाही मच सकती है F-35 और F-16 जेट के जरिए। इंपॉर्टेंट यह है कि ईरानी रडार इसकी पकड़ में नहीं आएंगे, तो ये अगर इजराइल की स्ट्रेटजी होती है सीधे ईरान पर वार करने की, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर किसी भी तरह का डायरेक्ट अटैक, फिजिकल अटैक ईरान की धरती पर अगर इजराइल करता है तो गारंटेड है कि वो F-35 स्टेल्थ अपने एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करेगा ही करेगा। राइट, क्यों करेगा? क्योंकि वो रडार से कैच नहीं हो पाएंगे। राइट सर, दूसरी बात, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से आपको एक और एडवांटेज मिलता है, एक तो स्पीड और एक है डिलीवरी, दोनों में ही आपका ईरान इस समय उस तरह की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं रखता। कैपेबिलिटी है लेकिन वो S-200 एंड 300 जो आउटडेटेड से कंसेप्ट हैं वो उनके ऊपर है। और अगर एक थ्योरेटिकल एग्जांपल लिया जाए, दो जहाज तो आएंगे नहीं, कम से कम मेरे हिसाब से 30 से 35 जहाज आएंगे। राइट, टारगेट भी कोई 1 किलोमीटर के अंदर लेके कोई नहीं चलेगा स्ट्रेटेजिकली, वो पूरे के पूरे 100 से 150 से 200 किलोमीटर एरिया में जाएगा। सो ऑब्वियस बात है कि उनका एयर डिफेंस एंड रडार दोनों के दोनों अपने तरफ से कामयाब नहीं हो पाएंगे और इसी वजह से आप देखते हैं कि ईरान ने अपनी एयर स्पेस को क्लोज डिक्लेयर कर रखा। Exactly, अपना जहाज भी नहीं उड़ाएंगे, किसी और का उड़ने भी नहीं देंगे। Right, वो इसीलिए है कि डिटेक्शन कम से कम पॉसिबल हो जाए, होगी या नहीं होगी थ्योरेटिकली बोला जा सकता है कि ईरान एक डिसएडवांटेज पर है किसी भी तरह की एयर वॉर। लेकिन ईरान की अगर ये डिसएडवांटेज और ऐसे में रूस का उसे सहयोग मिलता है, रविंदर सर सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि यहां देखिए जेरिजो 3 मिसाइल को लेकर जो 4500 किलोमीटर की रेंज रखती है और ईरानी परमाणु अड्डे पर भी इसके जरिए हमला संभव है, कई ठिकानों पर एक साथ हमले भी इसके जरिए किए जा सकते हैं और साथ ही साइबर अटैक की बात भी, जहां स्ट्रक्सनेट वायरस का इस्तेमाल हो सकता है और ईरानी परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जा सकती है। इसराइल पहले भी आपको बता दें वायरस का इस्तेमाल कर चुका है, तो इजराइल की स्ट्रेटजी को देखते हुए रूस का सहयोग कितना स्ट्रॉन्ग बनाता है उसे इजराइल के खिलाफ? सर रविंदर सर, डेफिनेटली रशिया का सहयोग टू ईरान लॉजिकल दिखता है, समझ आता है। ईरान रशिया की पार्टनरशिप में, रशिया की मदद कर रहा है जब उसको ड्रोन्स चाहिए और बाकी और चीजें चाहिए जितना पता है, राइट? Right. तो रशिया भी लॉजिकली ईरान के सपोर्ट में कुछ तो करेगा ही, स्पेशली जैसे एयर डिफेंस सिस्टम। अब S-400 कितने सिस्टम लगा लेगा ईरान और कितने इफेक्टिव होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि F-35 के खिलाफ और उनके मिसाइल्स के खिलाफ S-400 कैसे परफॉर्म करता है अगर ये हालात आ जाते हैं। बट सो रशिया का ईरान को मदद करना लॉजिकल दिखता है। भाई ये दुनिया जिस हिसाब से भागों में बटी हुई है उसमें आपको अपने इफ नॉट फुल्ली आपका कोई एक्सेस डिक्लेयर्ड नहीं है रशिया ईरान का मिलिट्री अलायंस, बट जहां तक आपस में इनकी कोऑपरेशन है यूक्रेन वॉर को लेकर के, तो रशिया को रेसिप्रोकेट करेगा ईरान की जरूरतों के लिए। एक पॉइंट और, यस डेफिनेटली यस, इसराइल का अटैक किधर होगा कह नहीं सकते, ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पे या ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च जहां पर वो यू नो मिलिट्री ग्रेड या वेपन ग्रेड यूरेनियम बना रहे हैं उन पर। बट एक खतरा इसमें और ये है कि ईरान अगर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी आगे ले जा चुका है तो ईरान एक
न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है इस समय, राइट सर। दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं न्यूक्लियर केपेबल हो गया हूं। ओके, ईरान जो न्यूक्लियर फ्यूल इसने बना लिया है उसको अब मिसाइल के ऊपर माउंट करना, उसकी केसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि मिसाइल पे उसको लगा करके आप फेंको, उसकी इंजीनियरिंग शायद अभी ईरान नहीं पहुंचा है। बट अगर उसने मान लिए कॉमन सेंस में, अगर समझे कि मसाला जो है बारूद बना लिया यूरेनियम का, तो उससे वो एक न्यूक्लियर टेस्ट जरूर कर सकता है अगर कॉर्नर में फंस गया और उसे कोई ऑल्टरनेटिव ज्यादा नहीं दिख रहा। उसे बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, तो ईरान का ये परमाणु कार्यक्रम क्या इसराइल के लिए सैन्य कार्रवाई का खतरा बन सकता है, और क्या यही कार्यक्रम मध्य पूर्व के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है? इस पर भी रहेगी हमारी नजर। आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेबनन में इसराइल के बड़े हमले को लेकर भी इस बीच एक खबर है, क्योंकि लेबनन के तायरे में मिसाइल अटैक हुआ है और लेबनन के तायरे में हमले में बड़ी तबाही मची है। लेबनन के तायरे से टीवी 9 की ये रिपोर्ट देखिए, लेबनन के तायरे से सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट। माउंट लेबनन के इलाके को भी लगातार इसराइल की तरफ से टारगेट किया गया। अगर आप देखें तो ये वो इलाका है जिसे केबेतीन का इलाका कहा जाता है। ख़ासतौर पर ये बहुत आप कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाका माना जाता है। बेरूत के आसपास की जो पहाड़ियां हैं ये वो इलाके हैं, और इसराइल ने कल रात को यानी 7 अक्टूबर के पूरे एक साल हो जाने के बाद बेरूत के आसपास के इलाकों में बहुत बड़े अटैक किए हैं। अगर आप देखें बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है, और ये वो अटैक्स हैं जिनसे नुकसान पहुंचा है, और उसी का नुकसान या फिर आप कह सकते हैं उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ख़ास बात ये भी कही जा रही है कि इस इलाके में करीबन इन दोनों घरों के अंदर इन दोनों घरों को अटैक किया गया था, और करीबन 10 लोगों के मारे जाने की खबर है इस घर से। कहा यह जा रहा है कि करीबन 10 लोग इस घर में मारे गए हैं, और जिसमें 4 बच्चे भी शामिल है। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए इस समय का जो हालात हैं वो किस तरीके के। पहला घर मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद आप देखिए ये दूसरा घर है। मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको दिखा रहे होंगे, कल रात से करीबन 15 से 18 जगहों पर ना सिर्फ लेबनन बेरूत के, बल्कि आप कह सकते हैं कि माउंट लेबनन के जो इलाके यानी जो हिली एरियाज़ हैं, जो ख़ासतौर पे बेरूत के आसपास की जो पहाड़ियां हैं उन पर भी इस तरीके के अटैक किए गए। अब तक इसराइल जो है वो धाइया के अंदर बेरूत के आसपास के इलाकों में अटैक करता था, लेकिन अब उसने अपने अटैक्स को खास तौर पर इन इलाकों में भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जो पहाड़ी इलाके हैं बेरूत के आसपास के, उनको भी लगातार अब इसराइल टारगेट कर रहा है। इसराइल का मानना है कि यहाँ पर जो समर्थक हैं हिजबुल्ला के वो हो सकते हैं, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि इन सभी जगहों को किस तरीके से अटैक किया गया है। अगर आप देखें 10 लोगों के मारे जाने की खबर इसमें बताई जा रही है, 15 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, और जिसमें 4 बच्चे भी शामिल है। गया कि 4 बच्चे भी उनकी मौत हुई है, लेकिन आप देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक्स होंगी ये खास तौर पे, जिससे नुकसान अगर आप देखें, हालांकि देखिए आप उनके घरों का साजो सामान यहाँ नीचे पड़ा है, और जो नुकसान आपका इनको हुआ है आप देखिए कि ना सिर्फ स्ट्रक्चर्स ऊपर पूरी तरीके से बर्बाद हुए हैं, बल्कि गाड़ियाँ और जो उनके अपने घर के जो नीचे जो चीज़ें थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और यह इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि ना सिर्फ इस तरफ आप कह सकते हैं रोड के दूसरी तरफ भी नुकसान हुआ है। अगर आप देखें कि ये भी जो आसपास की चीज़ें थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। माउंट लेबनन का ये वो इलाका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहाड़ी इलाका है निशांत, अगर आप दिखाएं। और अब इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि अब इन इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करे, और एक तरीके से आप मानिए कि इन इलाकों में जहाँ पर उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन इलाकों को टारगेट करता है।